हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी प्योर ट्रेडिंग डॉट नेट की तरफ से स्वागत करता हूं एक और एजुकेशनल वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिसको हम इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो पोजिशनली में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रेटेजी का नाम है कन्वर्जिंग शॉर्ट ऑफ स्ट्रैंगल टू शॉर्ट ऑफ स्ट्रेडल। यहां पर हम स्ट्रेडल को सेल करते हैं और धीरे धीरे एडजस्टमेंट करते हुए हम स्ट्रेडल की तरफ मूव करते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों? स्ट्रेटेजी ये है कि यहां पर हम एक स्ट्रेंगल जो कि इक्वी डिस्टेंस होती है करेंट स्पॉट प्राइस से, उसको हम सेल करेंगे, और जैसे ही उसके अंदर मूवमेंट आती है, मतलब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव होता है, तो डेफिनेटली या तो स्ट्रेंगल की कॉल बढ़ेगी या स्ट्रेंगल की पुट बढ़ेगी। तो जो भी बढ़ेगी और जो भी घटेगी उसको हम एग्जिट करेंगे, उसके अंदर प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो बढ़ी हुई प्राइस है उसी से मिलता हुआ दूसरा ऑप्शन हम सेल करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने 50 रुपए की कॉल और 50 रुपए की पुट को हमने यहां पर सेल कर दिया, मार्केट ऊपर गया तो कॉल की प्राइस बढ़ गई, पुट की प्राइस कम हो गई। तो जो कम हो गई प्राइस है इसके अंदर हमको प्रॉफिट हो रहा होगा, इसको हम एग्जिट मार देंगे। फिर ये जो बढ़ी हुई कॉल है, अब इसी से मिलते हुए प्राइस की एक पुट को हम फिर से सेल कर देंगे। तो अब दोनों कॉल और पुट एक प्राइस की हो गई, अब एक नई स्ट्रेंगल बन गई जो पहले वाली स्ट्रेंगल से कन्वर्ज होकर और पास में आ गई है। मान लीजिए मार्केट और ऊपर जाता है तो कॉल की प्राइस बढ़ जाएगी, पुट की प्राइस कम हो जाएगी, तो इस पुट वाली प्राइस को हम एग्जिट कर देंगे। फिर से इस कॉल से मिलते हुए एक और पुट को हम लाएंगे और उसको सेल कर देंगे, तो कॉल और पुट दोनों जो है वो सेम प्राइस पर होगी और पहले वाली स्ट्रेंगल से ये और ज्यादा पास होगी। तो इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि वो स्ट्रेडल में कन्वर्ट नहीं हो जाती। और मान लीजिए अगर वो स्ट्रेडल में कन्वर्ट हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द टाइम्स में तो वो प्रॉफिट में आ जाएगा हमारी स्ट्रेटेजी। लेकिन उसके बाद में भी अगर हमको और ज्यादा एडजस्टमेंट करने हैं और स्ट्रेटेजी के अंदर बने रहना है तो हम फिर से जो है वो स्ट्रेडल से आसपास ही घूमते रहेंगे। वो मैं आपको बताता हूं उस केस में हम क्या करेंगे। तो यहां पर जैसे मैंने कहा, हमने पहले स्ट्रेंगल को सेल किया और उसके बाद में हम धीरे धीरे जो ऑप्शंस को एडजस्ट करते हैं। अब इसी चीज को बहुत इजीली आपको अगर थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है, थोड़ी बहुत अगर आपको एपीआई यूज करने आता है, तो आप इसके ऊपर बहुत इजीली एल्गो बना सकते हैं और इसकी एल्गो को अपने अकाउंट में डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, अपने एलआईएस ब्लू के ट्रेडिंग अकाउंट में इसी स्ट्रेटेजी को रन करता हूं, और आज भी मैंने इसी स्ट्रेटेजी को रन किया था। इस वीडियो को आज स्पेसिफिकली बनाने का मेन रीजन है कि आज के दिन में 1200-1300 पॉइंट की मूवमेंट आ गई और मुझे लगा था कि पता नहीं इतनी बड़ी मूवमेंट के अंदर ये स्ट्रेटेजी कितना एडजस्टमेंट करके हमको प्रॉफिट देगी कि नहीं देगी। तो यही चीज दिखाने के लिए कि इस तरीके के ट्रेंडिंग डेज में भी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर हमको एडजस्टमेंट जो है वो काफी हमारे फेवर में साबित हो सकता है। तो यही देखिए, ये हमने एडजस्टमेंट करते हुए आज इतने सारे ऑप्शंस के अंदर काम हुआ हमारा। और यहां पर अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊं तो देखिए, यहां से जो है हमने करीब 9:25 पे ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करी थी। हाँ, अब इस स्ट्रेटेजी को एक बार जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक छोटी सी चीज है जो आपको करनी है। जैसे मैंने कहा हमको स्ट्रेंगल को सेल करना है, लेकिन स्ट्रेंगल जब भी आप सेल करेंगे, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में किया, तो तकरीबन आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के कुछ बीच में कुछ मार्जिन लगेगा। तो अगर आप 1 लॉट स्ट्रेंगल की सेल करते हैं और 1.5 लाख रुपया उसके लिए अगर ब्लॉक करते हैं, तो उससे अच्छा होता है कि हम दूर वाली आउट ऑफ द मनी की कॉलर पुट को हम बाय कर लें। तो यहां पर भी हम वही करते हैं, हम आउट ऑफ द मनी की कॉलर पुट को बाय करते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्टली बाय करेंगे। हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि 1 या 2 रुपए बहुत ज्यादा दूर की बाय कर ली या 1-2 रुपए की ऑप्शंस को बाय कर लिया, वैसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में हमें एक जो दूसरा एडवांटेज है ये दूर वाली कॉल पुट बाय करने का, वो नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर हम एक सिंपल सा रूल लगाएंगे कि जो भी स्ट्रेंगल हमने सेल करी है उसका जो भी प्रीमियम है, उसका 20% प्रीमियम वाला जो भी कॉलर पुट होगा उसको हम बाय करेंगे। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि जो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट वो तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर मार्केट में किसी एक तरफा मूवमेंट आ जाती है, सडनली स्पाइक आ जाती है, तो ये जो आपने 20% प्रीमियम वाली कॉलर पुट जो बाय करके रखी हुई है हेज करने के लिए या मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए, वो आपको सडन और स्पाइक वाले लॉसेस से बचा के रखेगी। साथ ही साथ बहुत बड़ी मूवमेंट, अगर बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट हुआ जैसे आज हुआ, तो यही दूर वाली कॉलर पुट जो है आपको आपके लॉसेस को प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर सकेगी। तो यही चीज मैं आपको चलो आज ऑर्डर बुक से दिखाता हूं। तो यहां पर हमने, मेरे एल्गो ने जो है यहां पर 9:25 पे देखिए 12 रुपए और 19 रुपए की एक कॉलर पुट बाय कर ली, और फिर ये 10-10 लॉट के अंदर मैंने इस एल्गो को रन किया था, इसलिए 150 क्वांटिटी है यहां पर बैंक निफ्टी की। और हमने मैंने 77 रुपीज की कॉल और 56 रुपीज की पुट को सेल किया,
फिर जैसे ही मार्केट ऊपर आया तो 57, 56 से 42 रुपीज हो गया पुट, तो यहां पर हमने इसको बाय कर लिया। और 138 रुपीज, क्योंकि उस समय कॉल जो 77 का कॉल है 138 के आसपास पहुंच गया होगा, तो 138 की जो पुट है फिर हमने वो सेल करी। फिर ये भी कम होकर 119 रुपए हो गए, तो हमने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि उस समय जो हमारी कॉल है वो 175 के आसपास पहुंच चुकी थी, तो हमने 175 रुपीज की फिर पुट को सेल किया। और इसी तरीके से हम प्रोसेस करते रहे, और फाइनली मैंने इसके अंदर अपना टारगेट जो है एल्गो के अंदर 5,000 रुपीज का सेट करके रखा था फॉर 10 लॉट्स। जैसे ही 5,000 रुपीज मेरा प्रॉफिट आ जाए तो मुझे स्ट्रेटेजी से एग्जिट कर देना है, सारी पोजिशन एग्जिट कर देनी है। तो देखिए मेरा तकरीबन 2:55 के आसपास जो है मेरी वो पोजिशन आ गई थी, सिचुएशन आ गई थी, और उसके लिए मेरी यहाँ पोजिशन 255 को एग्जिट हो चुकी थी। तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट में, यहाँ पर अगर मैं अपना ये रिजल्ट दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर आज के दिन में मुझे तकरीबन 10 लॉट्स के अंदर 5,500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से, ये जो दूर वाली हमने 19 रुपए की कॉल बाय करी थी, ये कितने की थी? स्ट्राइक प्राइस की थी 49,400, ठीक है। ये वही 20% प्रीमियम वाली कॉल है, और इसको देखिए हमने कितना इसके अंदर हमारा प्रॉफिट बुक किया, 49,400 कॉल ऑप्शन। तो 49,000 की 400 कॉल ऑप्शन देखिए यहां पर है दोस्तों, और इसके अंदर हमको 18,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो यही अगर हमने नहीं किया होता तो आज ये जो हमारा प्रॉफिट है ये लॉस में होता था शायद, क्योंकि एडजस्टमेंट जब भी करते हैं तो खाली एडजस्टमेंट करने से आपके लॉसेस जो है या आपका प्रॉफिट इंटैक्ट रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर मल्टीपल एडजस्टमेंट होते रहेंगे, और उसके अंदर आपका थीटा डी का ये सब का जो अप्रिसिएशन होता है, या विक्स का जो अप्रिसिएशन होता है वेगा का, वो सारी चीजों की वजह से एडजस्टमेंट्स भी आपकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है, जो हैज किया हुआ था हमने दूर वाली कॉल और पुट के साथ में, उसकी वजह से हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो है वो प्रॉफिट के अंदर आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का। अब जैसे मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए अगर एडजस्ट करते 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 स्ट्रेंगल जो है वो स्ट्रेडल बन जाए, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? तो फिर हम डीप, फिर अगर हम और ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो कॉलर पुट है स्ट्रेडल जो है वो गट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि इन द मनी की कॉल और इन द मनी की पुट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो हमको इन द मनी की कॉलर पुट में नहीं जाना है। हम उसके बाद में क्या करेंगे, अगर वो स्ट्रेडल बन जाता है तो जो भी हायर प्राइस वाली ऑप्शन है उसको हम एग्जिट करेंगे, और उसको हम लोअर प्राइस वाली ऑप्शन के साथ में मैच करवाएंगे। तो ये छोटा सा चेंज हमको एल्गो के अंदर प्रोग्राम करना होता है। तो ये सारी चीजें मैंने अपने एल्गो के अंदर प्रोग्राम करके रखी हुई है। आप भी इसी तरीके से अगर एल्गो की प्रोग्रामिंग करते हैं, आपको कोई भी लैंग्वेज चाहे पाइथन, सी शार्प, पीएचपी, जावा, बहुत सारी लैंग्वेजेस में आजकल सारे ब्रोकर्स अपनी एपीआई सपोर्ट करते हैं, तो आप भी अपने हिसाब से ऐसी कोई स्ट्रेटेजी प्रोग्राम कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर एल्गो के बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे अपने, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो दोस्तों वीडियो था आज का, स्ट्रैंगल को किस तरीके से हमने कन्वर्ट करते करते स्ट्रैडल में कन्वर्ट किया, इसका एक और वर्जन है, एक और वेरिएंस है जो थोड़ा और एडवांस्ड है, और वो हमको थोड़ा और ज्यादा सेफ रखता है इस तरीके की मूवमेंट्स के अंदर। तो वो भी हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर होती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विराम करता हूं अपने इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।